फ्रेंड्स, मैं अनिल बिमल आज चर्चा करूंगा कि मटके का पानी हमें क्यों पीना चाहिए। पानी हम सादा पी सकते हैं, फ्रिज का भी पीते हैं, और भी कई स्रोत हैं जिसके माध्यम से हम जो है ठंडा पानी पीने का प्रयास करते हैं। तो सबसे मेन जो है हम फ्रिज का पानी पीते हैं और मटके का पानी पीते हैं, सादा पानी भी हैंडपम्प या जो भी उससे पीते हैं। तो हमको वास्तव में मटके के पानी के आज क्या लाभ है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो आप जो है स्वस्थ रहें, तो इसी कड़ी में आज मैं चर्चा करूँगा, आप सुनिए। तो मटके का पानी पीने से क्या फ़ायदा है? मटके को गरीबों का फ्रिज भी कहा जाता है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, गरीबों का फ्रिज है भाई। और मटका का जो पानी होता है, जैसे फ्रिज का पानी हम पीते हैं, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा भी होता है, कभी कम कभी ज़्यादा उसका टेम्परेचर एक जैसा नहीं होता है, तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। आपने देखा हो कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ पर बर्फ़ मली जाती है, कहते हैं ना बर्फ मली जाती है, तो उससे क्या उस जगह पर सुन्न पड़ जाता है। सुन्न पड़ जाने से तंत्रिकाएँ जो है वहाँ तक मैसेज नहीं पहुँचता, और वो जो है दर्द है चोट है तो वो उसको थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है, तो और उस जगह पर जो है त्वचा सिकुड़ जाती, क्योंकि वहाँ पर जो है ठंडक होने से। तो अब सोच के देखिए, इसी तरह से हमने अगर ठंडा पानी पिया, फ्रिज का पानी ज़्यादा ठंडा पिया, तो क्या होगा, हमारे जो गले से लेकर जो हमारी आंतें हैं उसमें भी सिकुड़न पैदा हो जाती है, और जो हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक है, ख़राब है। और इसके अलावा गले की समस्या बढ़ जाती है, गले में खराश होना, सर्दी जुखाम होना, टेम्परेचर, क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर से मैच नहीं कर रहा। हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उतना टेम्परेचर से जरूरत से ज़्यादा पानी यानी कम ज़्यादा पानी होना यानी कि हमारे लिए जो है वो घातक है। तो इसलिए फ्रिज का पानी नुकसानदायक है। मटके का पानी बिल्कुल सही टेम्परेचर होता है, वैसे आप सादा पानी पी सकते हैं, लेकिन मटके का पानी गर्मियों में हम जो है हमको ठंडे जल की आवश्यकता महसूस होती है, तो उस समय जो है हम मटके का पानी पिएं। मटका जो मिट्टी का बना होता है, उसमें जो रंध्र होते हैं और जो प्राकृतिक तौर से जो नेचुरल तौर से ठंडा होता है, उसमें सौंधी सौंधी खुशबू भी आती है, तो वो हमारे लिए नेचुरल है। हम प्राकृतिक प्राणी हैं, इस मिट्टी से बने हुए हैं, पांच तत्वों से मिलके बने हुए हैं, तो उस तरह से वो हमारे लिए बिल्कुल एब्जॉर्ब करता है उसको, मतलब उसमें मैच करता है। तो जल हमारे लिए सर्वोत्तम है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, यानी कि हमारे शरीर जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें हमें एनर्जी जो है सही मिलती है, उसको हम लेते हैं, और जो मिनरल्स हैं उसमें पोषक तत्व हैं उसको अवशोषण की क्षमता को बढ़ाता है, गले को स्वस्थ रखता है। इसके अलावा मटके का पानी एल्कलाइन होता है, यानी कि क्षारीय होता है, और हमारे शरीर की प्रकृति होती है क्षारीय। और आप सोचिए कि क्षारीय है, और अगर जो है एसिडिटी बढ़ाने वाला अगर एसिडिक है जल में जो है मात्रा, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होगी। तो जो मटके का पानी एल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है, तो इस तरह से हमारे लिए बहुत ही सर्वोत्तम है। और इसके अलावा वो कब्ज को दूर करता है, आपकी पानी की जल की आपूर्ति करता है, कोई कमी नहीं रहेगी, आप कितना भी जी भर के पानी पी लीजिए, कभी गला ख़राब नहीं होगा, कभी जुखाम सर्दी उससे नहीं होगी। तो इस तरह से जो है मटके का पानी आप जी भर के पी सकते हैं, और गरीबों का तो फ्रिज है ही। और इसके अलावा हमारे शरीर को, मैंने अभी बताया आपको, क्षारीय होता है, यानी हमारे शरीर के पीएच मान को संतुलित रखता है। इसके अलावा हार्ट की आपको कभी समस्या नहीं जाएगी, हार्ट को सही रखेगा। इसके अलावा जो हमारे शरीर में रोग के कारण है कौन से, कफ बात और पित्त, वो तीनों को ही संतुलित रखता है। तो इसलिए हमें मटके का पानी ही पीना चाहिए, मटके का पानी जैसे गर्मियों में पीना चाहिए वैसे सादा पानी पीना चाहिए। और एक और बात कहूँ कि जो फ्रिज की बोतलें होती हैं, हम ज़्यादातर प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, तो प्लास्टिक जो है धीरे धीरे जो अंदर तक सफाई नहीं हो पाती, तो उसमें जर्म्स या पैदा बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, और प्लास्टिक भी जो है एक पॉलीमर होता है, तो वो जो है क्रिया करता है, चाहे जल हो या जो भी उसमें चीज़ें रखी गई हों, तो ऐसे कंडीशन में वो जो है हमारे शरीर में कई ऐसे जो है कैंसर के कारक का भी बनता है, तो वो कैंसर भी हो सकता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा जो है हम पानी लगातार फ्रिज का पीते हैं, वो हर तरह से जो है हमारे लिए नुकसानदायक है। हम जो खाना खाते हैं वह खाना भी नहीं पचता, ये सबसे गंभीर स्थिति बताता हूँ आप। हम जो है खाना जो खाते हैं, अब चूंकि हमारे शरीर का भी एक टेम्परेचर होता है, और टेम्परेचर जो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट जो भी सेल्सियस जो भी फ़ारेनहाइट है, तो वो जो है हमारा टेम्परेचर पर ही हमारे भोजन का पाचन होता है। और हम जब भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसके बाद जो है हम अगर ठंडा पानी पी लेते हैं, तो हमारी जो जठराग्नि है उस अग्नि को वो बुझा देता है,
जबकि सादा पानी मटके का पानी ऐसा नहीं करता, उसका टेम्परेचर सीमित होता है और वो इस तरह हमारी पाचन शक्ति को दुष्प्रभावित नहीं करता। तो जो भी हम ग्रहण करते हैं वो अच्छी तरह से पच जाता है। और एक और बात कहूँ, अगर फ्रिज बंद कर दिया जाए, एक दिन के लिए बंद कर दिया जाए, आपने देखा होगा घरों में सबसे ज़्यादा लाइट जो कौन खींचता है, कौन सबसे ज़्यादा लाइट जो है, तो आपने देखा हो पंखे हैं, कूलर हैं, फ्रिज हैं और एसी हैं, हीटर हैं, तो इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा बिजली की खपत होती है। और फ्रिज जो है आजकल बहुत ज़्यादा जो घरों तक पहुँच चुका है। तो आप सोचिए, अगर गर्मियों में ही हम एक दो महीने के लिए ही जो है अगर इसका उपयोग शुरू कर दें मटके का, और फ्रिज एक दिन के लिए भी बंद कर दें, तो कितनी हजारों करोड़ों अरबों रुपए की हम जो है बिजली की जो है बचत कर सकते हैं, इस आर्थिक क्षति को बचा सकते हैं। तो हम इसमें भी योगदान कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा कि मटके का पानी आप ज़रूर पीजिए। और इसके अलावा एक ऐसा वर्ग जो मटके का निर्माण करता है, मटका बनाता है, वो कितनी मेहनत से जो है बनाता है, आप सोचिए कि मिट्टी को लाता है, उसको कूटता छानता है, उसके बाद उसको आकार देता है, फिर उसको भट्टे में पकाता है, फिर उसको रंगता है, उसके बाद भी हम उसमें छोटी सी कमी देखकर जो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अगर एक दिन की मजदूरी 300-400 रुपए है, उस हिसाब से अगर मजदूरी देखी जाए, उसको हम 50-60-70 रुपए में 80-100 रुपए में ले आते हैं, तो आप सोचिए कि एक जो है बनाने वाले व्यक्ति जो कुम्हार को भी उसका जो है शायद मेहनताना उतना नहीं मिल पाता हो। तो वो भी एक हमारे कुछ जो बनाने वाले निर्माण करता है वो भी आज समृद्ध होंगे। हम कम से कम गर्मियों में ही इसके जो है अधिक से अधिक खरीद करें, तो जो है जो पैसा जो हम विदेशी कंपनियों तक पहुंचा रहे हैं और इस तरह से हम बीमार भी पड़ रहे हैं, तो वो भी उसमें भी लाभ होगा। तो मटके का प्रयोग आप ज़रूर कीजिए, घरों में कीजिए, अपने स्वास्थ्य के लिए कीजिए और इस देश के विकास के लिए कीजिए। आप स्वस्थ रहें, यही मैं आशा करता हूँ। आपका परिवार, तो आप क्या करेंगे कि आज कल से ही जो है क्या मटका जरूर लेकर आइए, आज ही मटका लेकर आइए और उसका पानी पीजिए और अपने जीवन को, अपने आप को स्वस्थ रखिए। आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा, ये भारत स्वस्थ रहेगा। तो इसी आशा विश्वास के साथ आप सभी साथियों को ये बातें अगर सही समझ में आई हों, कुछ भी कमेंट्स हो आप कमेंट्स जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आपको अच्छा लगा हो, बातें सही लगी हों, तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। इस लाइक से जो है मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो आप सभी साथियों को पुनः एक बार अनिल विमल का नमस्कार।